दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। आयुर्वेद में अलग अलग समय पर पानी पीने के बारे में विस्तार में बताया गया है। जब भी हम दौड़कर आते हैं तो एकदम से पानी पीते हैं या खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए जहर के समान हो जाता है और ये शरीर के लिए जानलेवा भी साबित होता है। और सुबह जब हम 2 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाती है और मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा शरीर साफ हो जाता है और पूरे दिन शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। हमारा खून साफ हो जाता है, जिससे हमारा चेहरा चमकने लगता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि सोने से पहले पानी पीने से हमें क्या होता है, क्या फायदे होते हैं। रात को पानी को आखिरी ड्रिंक के रूप में लेने से या पीने से पूरी रात नसों की सफाई होती है, जिससे सुबह सोच भी खुलकर आता है और शरीर में होने वाली एसिडिटी की समस्या से भी बचाव होता है। रात को सोने से पहले पानी का सेवन करने से हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है, हमें नींद भी अच्छी आती है। मगर ध्यान रहे कि सोते समय ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। रात को सोते समय 1 गिलास पानी पीना हमारे हृदय के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब भी हम रात को पानी पीते हैं तो हमें दिल से जुड़ी हुई समस्याओं या बीमारियों का खतरा कम रहता है, क्योंकि इससे रक्त संचरण सुचारू रूप से चलता है, जिससे हमारा हार्ट सही तरीके से काम करता है। रात को सोते समय 1 गिलास पानी पीने वाले लोगों को रात को हार्ट अटैक आने की संभावना काफी कम होती है। सोने से पहले पानी का सेवन करने से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ ही हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। रात्रि को पानी का सेवन करने से हमारा पेट साफ रहता है, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र सही से काम करता है और हमें पेट से संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिलती है। पानी पीने से हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है, लेकिन जब हम किसी टेंशन में होते हैं तो हमें 1 गिलास पानी घुट घुट कर बैठ कर पी लेना चाहिए, इससे हमारा दिमाग शांत होता है। तो दोस्तों, ये है रात को पानी पीने के फायदे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।